मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 6 बजे का टाइम है और अभी हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं तो देवीलाल पार्क में ही जाते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह पर ले कर चलूँगी जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो फ्रेंड्स, हम उस जगह पर पहुँच गए हैं और इस जगह का नाम इतिहास में काला आम के नाम से दर्ज है और ये काला आम पानीपत का इतिहास बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज मैं आप सबको यहाँ काला आम की जगह का एक एक कोना दिखाऊंगी कि जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आज वो जगह देखने में कैसी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, एंट्री करने के बाद सबसे पहले मैं आप सबको वही जगह दिखा देती हूँ जहाँ पर वो काला आम का पेड़ था जिसके बारे में हम सब ने इतिहास में भी पढ़ा है। तो ये जो सामने स्मारक है, यही वो जगह है जहाँ पर वो काला आम का पेड़ था, लेकिन पेड़ सूख गया था तो 1992 में यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है और स्मारक पे लिखा हुआ भी है कि 16 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था और फ्रेंड्स, इस युद्ध में 70,000 मराठा सैनिक शहीद हुए थे। और ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो आम का पेड़ था वो थोड़ा सा मतलब झील में था, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा था और मराठों के शवों से जो खून निकला था वो इस आम के आसपास आया था, तो खून की वजह से इस आम का रंग काला पड़ गया था और इस पर जो आम लगते थे अगर उनको काटते थे तो उनके अंदर से लाल रंग का रस निकलता था जैसा खून होता है। और धीरे धीरे करके ये आम का पेड़ सूख गया था और इस जगह का नाम इसी वजह से काला आम पड़ गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसके आसपास का व्यू है ये इस आम के आसपास का ही है। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर 1992 से पहले ऊंचे नीचे टीले थे और यहाँ पर जो पुराने पत्थर होते हैं उन्हीं से यहाँ पर ये दीवारें बनाई गई हैं, फर्श बनाया गया है। तो आप सब यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सामने एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है और ये चित्रकारी पत्थरों को काट के बनाई गई है, इसमें अलग से कोई पेंटिंग नहीं की गई है, सिर्फ पत्थरों को काट के ही ये चित्रकारी बनाई गई है। जैसी ये सामने है ऐसी ही दूसरी साइड पर भी बनाई गई है। इन दोनों ही चित्रों में मराठा सेना दिखाई गई है जो कि युद्ध के लिए जा रही है। कुछ सैनिक पैदल हैं, कुछ घुड़सवार हैं, सबके हाथों में तीर हैं, तलवार हैं, भाले हैं और कैसे सेना युद्ध के लिए जा रही है। और फ्रेंड्स, ये दोनों ही चित्रकारी देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि उस टाइम पर यहाँ कितना नरसंहार हुआ होगा, कितना रक्तपात हुआ होगा। और ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में 70,000 मराठा सैनिक शहीद हुए थे जिनके शवों से इतना खून बह गया था कि उस खून की वजह से यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा पेड़ था उसका रंग काला पड़ गया था और इसी वजह से इस जगह का नाम काला आम्ब पड़ गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ये 16 जनवरी 1761 को मुगलों और मराठों के बीच में हुई थी। मुगलों की सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने किया था और दोनों सेनाओं में यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और 70,000 मराठा सैनिक यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इस जगह के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और जिसे मैं देखना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर देखिए, यही वो जगह है और यहाँ का आगे का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ बिल्डिंग नहीं बनाई गई हैं, पत्थरों को काट के ही यहाँ पर ये कुछ दीवारें बनाई गई हैं। ऊंचे नीचे जो टीले थे उन्हीं को जैसे वो आकार में थे उसी आकार में यहाँ की मरम्मत कराई गई है। तो आप भी देखिए और यहाँ घूम लीजिए, इंजॉय कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और आगे तक घूम लेते हैं। आज मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगी और वैसे यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे बाद के लगाए हुए हैं,
उस टाइम का यहाँ पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है। और ये जो जगह है इसकी यहाँ पर चार दीवारी की गई है, कुछ जगह पर मतलब दीवार है और कुछ हिस्से पर मतलब तार लगाई गई है और इस जगह को कवर कर दिया गया है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है कि जिसके खेत हैं वो अंदर तक आता ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर तार लगा के और इस जगह का एक निशान बन गया है कि इतने में ये जगह है। और वैसे फ्रेंड्स ये जगह पानीपत से 4 किलोमीटर दूर उग्रा खेड़ी में है। जो काला आम है ये उग्रा खेड़ी में पड़ता है पानीपत से, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सब भी यहाँ पर घूम लीजिए और इस जगह को देखिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए सामने ये स्मारक बनाया गया है और इस स्मारक पर लिखा हुआ है कि इस जगह का निर्माण महामहिम श्री धनिक लाल मंडल राज्यपाल हरियाणा सरकार द्वारा 9 अगस्त 1992 को किया गया था। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ ऊंचे नीचे टीले थे और इस जगह की कोई चारदीवारी भी नहीं की गई थी, लेकिन 1992 में यहाँ पर कुछ इमारतें भी बनाई गई हैं, आगे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ मतलब ये है कि लोग दूर दूर से इस जगह को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पानीपत का इतिहास है और जब लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो सबके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि उस जगह को देखना चाहिए जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो आप सब यहाँ की जगह को देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी घूम लिए हैं, तो चलिए पहले थोड़ी सी देर कुछ योगा कसरत कर लेते हैं, क्योंकि ये कहने लगे कि बहुत घूम लिए हैं पहले थोड़ा सा योगा कसरत कर लेते हैं, नहीं तो फिर धूप हो जाएगी और धूप होने के बाद योगा कसरत करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। बाकी का जो व्यू बच गया है वो बाद में ले लेना, पहले योगा कसरत कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मैं तो ज़्यादा देर आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 10 से 12 दिन मुझे बुखार आया है जिसकी वजह से मुझे वीकनेस महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर ही करूँगी, हल्के फुल्के ही करूँगी, आज ज़्यादा योगा कसरत नहीं करूँगी। वैसे योगा कसरत करने से हमारा शरीर फिट रहता है और सुबह के टाइम किया गया योगा पूरा दिन हमें आलस से दूर रखता है, एकदम हमारे शरीर में स्फूर्ति भर देता है। तो चलिए कुछ देर योगा कसरत कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो घास है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इस पर ओस गिरी हुई है, और मैं तो आज थोड़ी सी देर योगा करने के बाद ही बहुत ज़्यादा थक गई, तो मैंने कहा अब मेरे से और योगा कसरत नहीं किया जाएगा, तो मैं तो नंगे पैर घास पे घूम लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम अगर नंगे पैर घास पर घूमते हैं तो इससे हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तो ये अपना योगा करने लग गए और मैं यहाँ पर घास पे घूम रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब भी मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आप सबको आगे का व्यू भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं तो आज थोड़ी सी देर योगा कसरत करने के बाद ही थक गई, लेकिन ये अभी अपना योगा कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो जो आगे का व्यू है वो भी आप सबको दिखा देती हूँ। बाकी तो मैंने पूरा आप सबको दिखा दिया है, सिर्फ यहीं का व्यू बचा हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो सामने बिल्डिंग है
अब ये एक पूरा हॉल है और ये खाली है। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े से लड़के योगा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो बिल्डिंग है ये खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उन लड़कों ने बताया कि इस टाइम ये एक पूरा हॉल बना दिया गया है। कोरोना वायरस से आने से पहले यहाँ पर विदेशी घूमने के लिए आते थे, तो इस हॉल के अंदर अलग अलग रूम बनाए गए थे और सुख सुविधा का सब सामान इसमें था। तो जो विदेशी यहाँ पर आते थे उनको ये जगह किराए पर दी जाती थी और कुछ दिनों तक वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन अब ये कोरोना वायरस आने की वजह से यहाँ पर घूमने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ अंदर का जितना भी सामान था वो सब यहाँ से निकाल के किसी और जगह पर रखवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ का व्यू देख लीजिए। से आज मैंने आप सबको काला अंब की इस जगह का एक एक कोना दिखाया है। तो यहाँ का व्यू आप सबको कैसा लगा, यहाँ की जगह आपको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इस टाइम इनका योगा कसरत भी पूरा हो गया है, 8 बज चुके हैं, तो अब घर चलने की तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स, से उसी रास्ते से वापस चलते हैं जिस रास्ते से अंदर आए थे। तो चलते चलते आप सबको यहाँ का व्यू एक बार फिर से दिखा देती हूँ, वो जगह आप सबको एक बार फिर से दिखाती हूँ जहाँ पर वो काला आम का पेड़ था। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो आम का पेड़ था वो बहुत ही बड़ा था। जब युद्ध करते करते सेना थक जाती थी तो इस पेड़ के नीचे सेना विश्राम करती थी, लेकिन यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा खून जाने की वजह से आम का जो रंग है वो काला पड़ गया था। ऐसा बताया जाता है कि अगर आम की टहनी भी तोड़ते थे तो उससे खून टपकता था, और जो इस पर आम लगते थे उनको काटने से उसमें जो रस निकलता था वो बिल्कुल लाल रंग का निकलता था। काफ़ी सालों बाद ये आम का पेड़ सूख गया था, तो इस आम के पेड़ को कवि पंडित सुगंध चंद्र जी ने खरीद लिया था और इस आम के पेड़ से उसने दरवाजे बनवाए थे। और आज वो दरवाजे पानीपत के म्यूजियम में रखे हुए हैं, जिन्हें लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। से अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं जहाँ पर हमने अपनी एक्टिवा खड़ी की हुई है। वैसे अभी भी ये गेट से काफ़ी अंदर है और अब हम घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, से आज मैंने पानीपत की वो जगह आप सबको दिखाई है जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जो जगह इतिहास में काला आम के नाम से दर्ज है। तो फ्रेंड्स, से आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब घर चलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।